ये है मेरा कुमाऊनी लुक फाइनल। देखिए, ये है हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। आजकल के लोग यानी कि अपने कल्चर को भूल जा रहे हैं। कहीं कहीं पे भगवानों की तस्वीरें भी बनी हुई। आजकल की फैशन की ये वाली पिछौड़ी चली है, देखिए। ये भी ठीक ही है क्योंकि बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, वो भी लहंगा हो जाता है, ये पिछौड़ी हो जाती है संभालनी। फिर दुल्हन भी आजकल की बहुत हल्की फुल्की होती है। नीचे देखो, नीचे बताती हूँ कि कौन मेरे साइड से थे, कौन ससुराल वाली साइड से थे करके। फिर से दोस्तों, एक छोटा सा मंगलसूत्र, ये है मेरे पोंची जो थे ससुराल की ओर से दी है। इससे भी हल्की आ रही है आजकल, खाली एक कंधे में डालने के लिए चुन्नी टाइप में उसको भी डाल रहे हैं लोग आजकल। आज दोस्तों, जो ये आपको हाथ में पहनने वाली पौची दिख रही है ना, इसमें क्या होता है, अंदर से कॉटन वाली है। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग गढ़वाली कल्चर वाली नाथे भी बना। हेलो, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। नए दिन से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है गीता राहुल पिलखवाल, मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी गीतू ब्लॉग्स पे। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से। तो फाइनली हमने दिन का लंच वगैरह कर लिया है, झाड़ू बर्तन भी कर लिया है। अभी हम अपने कमरे में आए हैं रेस्ट करने के लिए, नन्नत जी और मैं। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे बिल्कुल ये बन ठन के कहाँ जा रही है पिछौड़ा पहन के, साड़ी पहन के। तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो आज मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट ब्लॉग दिखाना चाह रही हूँ, यानी कि हमारी संस्कृति, जो हमारे पहाड़ का कल्चर है, यानी कि पिछौड़ा जेवर, ये सभी हमारी एक कल्चर है, आप सभी को पता ही होगा। चलिए फिर लेट ना करते हुए फटाफट आपको दिखाते हैं ज्वेलरी कलेक्शन। इनको बताने क्या हो रखा है। चलिए फिर दोस्तों, एक बार आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। आज का मौसम देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है। प्यारी सी धूप खिल रखी है और आपको आसमान में बादल भी दिख रहे हैं और प्यारे से पहाड़ दिख रहे हैं आपको। कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से आज मौसम बिल्कुल साफ है। ये मेरे देवर जी छुप छुप के देख रहे हैं यहाँ से। जैसे कि दोस्तों, मैंने सारे ज्वेलरी निकाल दिए हैं, अब आपको मैं बताती हूँ कि कौन मेरे साइड से थे, कौन ससुराल वाली साइड से थे करके। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगी अपना मंगलसूत्र जो था ससुराल की ओर से। ये है दोस्तों मेरा मंगलसूत्र। ये देखिए, इस प्रकार से है लंबी मंगलसूत्र है। देखिए, चलिए मैं आपको दिखाती पहन के। ये देखिए, ये दोस्तों मैंने डेली यूज के लिए बनाए हैं, छोटा छोटा घर में पहनने के लिए। ये सबसे बड़ा वाला मंगलसूत्र जो था ससुराल की ओर से। फिर से दोस्तों, एक छोटा सा मंगलसूत्र है जो था मेरी मायके की ओर से। ये देखिए इस प्रकार से है। यहाँ पे व्हाइट नग और यहाँ पे पिंक वाले नग। ये है दोस्तों जंतर, जो कि आजकल सभी जंतर बना रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार से बीच में डिजाइन है और ऊपर इस प्रकार से है। ये डिजाइन दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, तो
तो मैं गई थी एक दिन वैसे ही सुनार के वहां कान के बनाने के लिए छोटे छोटे डेली यूज के लिए। तो उसके बाद मुझे जंतर वहां दिखा और बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, तो उसके बाद इसको भी खरीदा हमने वहीं सुनार की दुकान से। ये देखिए फिर जंतर, फिर एक छोटा सा माइके का है, फिर एक ये डेली यूज वाला। ये है दोस्तों मेरा फाइनल लुक मंगलसूत्रों का। ये फिर दोस्तों अब आपको दिखाते हैं पोंची का कलेक्शन। ये है मेरे पोंची जो थे ससुराल की ओर से। ये देखिए इस प्रकार से डिजाइन होता है इनमें, इनको पहना जाता है हाथों में। इसमें है 24 दाने, एक भी दाना खो गया तो मेरी जान अटक जाएगी। एक तो आजकल कितना महंगा हो रहा है सोना, ये देखिए, और नीचे से ऐसे है और यहाँ पे भी एक थोड़ा सा सोना है। इनको दोस्तों हाथों में पहना जाता है इस प्रकार से, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। अब मैं दिखा दी दोस्तों अपने कान के झुमके, ये देखिए। चलिए भी इनको भी, इनको पहना जाता कान में, आप सभी को पता ही होगा। चलिए फिर मैं पहनती हूँ झुमकों को। अब मैं दिखाती हूँ दोस्तों कुमाऊनी नथ। आजकल तो सभी लोग अपने तरीके से बनवाते हैं, जिसको जिस प्रकार का मतलब यानी कि ये नथ पसंद होती है, अपने डिजाइन से अपने हिसाब से बनाते हैं। तो मुझे यही पसंद आया था, यही डिजाइन, तो मैंने ऐसे बनाया था नथ, देखिए इस प्रकार से, क्योंकि मुझे ये ही बहुत पहले से पसंद था। यहाँ की ओर से है ये भी, ससुराल की ओर से है। मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दूसरी डिजाइन भेजा था तो वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने इसको भेजा, फिर ये बनवाया। देखिए इसको पहना जाता है नाक में, नथ, अभी नोज रिंग है मेरे नाक में, चलिए अभी ऐसे अटका लेते हैं। ये देखिए ये है मेरी नथुली, इसमें देखिए इस प्रकार से डिजाइन बना हुआ है और एक नग भी है, और ये इसका सपोर्ट करने के लिए नथ को। अब दिखाते हैं आपको मांग टीका। ये है दोस्तों मांग टीका, इसको पहनते हैं माथे में। तो फाइनली दोस्तों मैंने सारे जितने भी मेरे जेवर थे सारे दिखा दिए हैं। अब एक छोटे से मेरे कान के हैं घर में पहनने वाले, ये देखिए, ये शादी के बाद से बनाए। ये है दोस्तों मेरा फाइनल लुक, देखिए इनको पहना जाता कान में। ये कान के झुमके हैं, ये है नथ, ये है मांग टीका, ये है एक छोटा सा घर में पहनने वाला मंगलसूत्र, दूसरा वाला है एक ये है जंतर, और एक ये है बड़ा वाला मंगलसूत्र। ये है पोंची जिनको पहना जाता है हाथ। ये है दोस्तों कुमाऊनी कल्चर पहाड़ी लुक। ये देखिए ये है पिछौड़ा, ये है सारे आभूषण सोने के जो पहाड़ों में पहना जाते हैं। देखिए ये है हमारी संस्कृति, हमारी पहचान कुमाऊनी लोगों की।
कभी शादी ब्याह पूजा पाठ में, सभी गांव की औरतों को कभी भी शुभ कामों में शादी ब्याह में हमेशा यही पहना जाता है, सोने के जेवर पिछौड़ा। जो दोस्तों मेरे मायके साइड के ज्वेलरी हैं वो मैंने कपकोट से बनवाए थे, की ओर से हैं वो कांडा से बनाए थे, कांडा पड़ाव से। दोस्तों ये है आजकल के जमाने की पिछौड़ी, ये देखिए। जैसे पहले पहले जब मेरी मम्मी लोगों के जमाने में, ताऊताई लोगों के जमाने में क्या होता था, यहाँ से अलग टाइप का डिजाइन होता था उसमें। लेकिन आजकल क्या है, बड़ी हल्की पिछौड़ी चल रही है, सब लोग ऐसी ही पिछौड़ी पहनने में लगे हैं। मेरी मम्मी की तो बहुत भारी वाली पिछौड़ी है और उसमें डिजाइन भी अलग होता है, उसमें डिजाइन भी अलग होता है, उसमें ऐसे कहीं कहीं पे भगवानों की तस्वीरें भी बनी हुई है मेरी मम्मी की पिछौड़ी में। तो आजकल के फैशन की ये वाली है। आजकल की फैशन की ये वाली पिछौड़ी चल रही है, देखिए। ये भी ठीक ही है क्योंकि बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, वो भी लहंगा हो जाता है, ये पिछौड़ी हो जाती है संभालनी। फिर दुल्हन भी आजकल की बहुत हल्की फुल्की होती है। देखिए दोस्तों, ननद जी ने बताया आपको पिछौड़े के बारे में, ये तो तब भी थोड़ा बहुत भारी है, इससे भी हल्की आ रही है आजकल, खाली एक कंधे में डालने के लिए चुन्नी टाइप में उसको भी डाल रहे हैं लोग आजकल, आजकल के फैशन के हिसाब से। पहले की पिछौड़ी बहुत ज़्यादा अलग होती थी जैसे कि बताया आपको ननद जी ने, तो आजकल के ऐसे होते हैं ये। जो ये मंगलसूत्र है मेरा, जो ये भी यहीं से डिज़ाइन भेजा था, तो उनमें से मुझे यही पसंद आया, बहुत सारे भेजे थे मुझे तो मुझे यही पसंद आया तो मैंने यही बनवाया। दोस्तों जो ये आपको हाथ में पहनने वाली पौची दिख रही है ना, इसमें क्या होता है, अंदर से कॉटन भरा जाता है और बाहर से गोल्ड फॉइल लगी होती है। एक एक दाना बहुत कीमती है, अगर एक भी दाना खो जाए ना तो घर में जो सास है ना वो भोगों की वाट लगा देती है। ये देखिए, ये जो भाभी ने नथ पहनी है ये कुमाऊनी कल्चर वाली है। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग गढ़वाली कल्चर वाली नथें भी बनाते हैं जिनमें मोतियाँ, जैसे मोती ऐसे नहीं होते हैं नथ में वैसे लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरी गोल्ड है, यहाँ पे पूरा गोल्ड है। जैसे कि दोस्तों जो मेरी नथ है वो है कुमाऊनी नथ। आजकल के लोग यानी कि अपने कल्चर को भूल जा रहे हैं, वो गढ़वाली नथ भी बना दे रहे हैं, जो उनको पसंद आ रहा है वही बना दे रहे हैं। तो आप लोगों को अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि दोस्तों जितना भी जेवर होता है दुल्हन के लिए शादी के टाइम पे दिया जाता है, ससुराल की ओर से भी और मायके की ओर से भी। तो मायके की ओर से मेरा बहुत ही कम था, एक कान के और एक गले का, तो जितना भी जेवर था सारा यहीं से था यानी कि ससुराल की ओर से। तो मायके की ओर से एक कान के थे और एक गले का था। तो दोस्तों हम करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग, तो वहाँ से कम ही था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा ज्वेलरी कलेक्शन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर दोस्तों करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं गीता बिलखवाल, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।